बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चाय वाले का मजाक बनाया गया तो कांग्रेस 44 सीटों तक पहुंच गई, अब पकौड़ा वाले का मजाक उड़ाकर अगली बार वो 5 सीटों पर सिमट जाएगी। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी के अभिषेक सिंह ने कहा कि जिस तरह चाय वाले का मजाक बनाने पर कांग्रेस 2014 के आम चुनाव में 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, ठीक उसी तरह पकौड़ा बेचने वाले मेहनतकश लोगों का मजाक बनाने के बाद वो 2019 में 5 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। सिंह ने कहा कि देश में गरीब आदमी अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालता है और आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग इनका मजाक बना रहे हैं। चुनाव में इन लोगों को जवाब मिलेगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पकौड़े की दुकान लगाता है और रोज वो 200 रुपए कमा कर घर जाता है तो आप उसे रोजगार कहेंगे या नहीं। संसद के मौजूदा सत्र में अक्सर कोई न कोई सदस्य पकौड़े का उल्लेख करता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने इस मामले को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।